अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नंबर वन के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर वन है मेजरमेंट। और इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वायरमेंट है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। तो आमतौर पे हम उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं जो जिनमें ज़्यादा आप कह लें कि प्रॉब्लम होती है या जो ज़्यादा वजाहत मांग रहे होते हैं या मुश्किल होते हैं, और आसान क्वेश्चंस को हम आंसर बता देते थे। लेकिन जैसा कि स्टूडेंट चाह रहे हैं, तो ये चैनल चूँकि स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए इसमें हम जो है वो जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही हमको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द रेडियन मेजरमेंट बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। घड़ी 5 बजा रही है, तो रेडियन में बताएं कि ये कितना एंगल है दोनों आर्म्स के दरमियान। तो अगर हम यहाँ पे ये बना लें छोटी सी घड़ी, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। आपको मालूम है कि घड़ी पे यहाँ पे इस जगह पे 12 बज रहे होते हैं, इस जगह पे 3 बज रहे होते हैं, यहाँ पे 6 बज रहे होते हैं और इस जगह पे 9 बज रहे होते हैं। तो 5 आप समझ लें कि ये तकरीबन ये वाली पोजीशन है 5 बजने की। तो दोनों आर्म्स के दरमियान अगर 6 बज रहे हों तो दोनों आर्म्स आप देखें बिल्कुल सीधी होंगे। यहाँ से ये हम इसको नीचे लें तो उसमें 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा 5 बजे में, उसमें आप ये देखें कि 5 बजे पे एंगल को आप आसानी से यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 से लेके 6 तक 180 डिग्री। तो इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर लें 6 घंटों में, तो हर एक घंटे में 30 डिग्री आए। तो इसका मतलब है कि 5 बजे तक 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें। पहले आपको डिग्री में मैं बता रहा हूँ कि आप इसको कर लें 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास 150 आ गया। 150 को अब आप रेडियन में चेंज कर लें, तो 150 डिवाइडेड बाय 57.3। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 57.3, तो ये तकरीबन 2.6 आएगा। तो 2.6 को आप राउंड करें तो ये 3 रेडियन। आप इसको राउंड करके आंसर दे सकते हैं। वैसे आंसर इसका एग्जैक्टली जो है वो 2.6 रेडियन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 डिग्री को चेंज करें रेडियन में। तो अभी आपने डिग्री को रेडियन में चेंज किया, तो इसको याद रखें एक फार्मूला से बन गया कि जब भी डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है तो 57.3 से डिवाइड करना है। तो आप 1 डिवाइडेड बाय 57.3 करें तो आपके पास जो ए ऑप्शन में आंसर है वो आ जाएगा, ये 0.01745 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आपने देखा कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है द मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर पॉइंट 0000001 इज। तो इसमें डेसिमल के बाद आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं, तो ये इसको लिखा जाएगा 1 × 10⁻⁶। क्योंकि 1 के लेफ्ट की तरफ डेसिमल है तो ये माइनस में आएगा, 1 × 10⁻⁶, और 10⁻⁶ माइक्रो होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि मेट्रिक प्रीफिक्स इस नंबर के लिए आपको माइक्रो यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स।
यूनिट्स को लिखने का करेक्ट वे है। जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उनमें दो किस्म की गलतियाँ की हुई हैं। मसलन 71 न्यूटन में न्यूटन का एन कैपिटल रखा गया, तो ये गलत चीज़ है। हाँ, पेपर के अंदर अभी हम इन चीज़ों को मार्क करते हुए बोर्ड में जो है वो नहीं काटते मार्क्स वगैरह, तो वहाँ पे हो जाती हैं ठीक, लेकिन करेक्ट वे ऑफ यूनिट्स जो है। इसी तरह 8 kg में भी के कैपिटल लिखा, ये भी ठीक नहीं। फिर बी ऑप्शन में दो प्रीफिक्सेस को इकट्ठा लिखा हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। मिली और माइक्रो, इसको मिला के नैनो लिख देना चाहिए, तो ये ठीक हो जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें केजी में के स्मॉल है, मीटर में एम स्मॉल है, तो दिस वे ऑफ राइटिंग यूनिट इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट मेजर्स अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.2 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर, दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड एज। तो पहले आप इसमें देख लें कि एवरेज 49.8 और 50.2 की क्या बनती है। इसकी एवरेज बनती है 50, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो 50 आएगा। तो इसलिए आप ये देख लें कि 50 के साथ आपके पास जो आंसर है वो क्या है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो है वो करेक्ट आएगी, क्वेश्चन नंबर 5 की सी ऑप्शन, 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। उसकी वजह एक और रीज़न भी इसमें अभी शामिल होनी है, वो रीज़न ये है कि आप मेजर कर रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे लीस्ट काउंट आमतौर पे 0.1 सेंटीमीटर ये लिया जाता है। तो 0.1 जब ये आप इसको दो दफ़ा आपने इसको यूज़ किया तो फिर ये 0.1 ऐड हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये समझ इसी तरीके से आ रहा है। तो 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ये आपका जो है वो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द परसेंट अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज। तो इसको आप सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, लीस्ट काउंट यानी 0.25 डिवाइडेड बाय ऑब्टेंड वैल्यू, वो क्या है 3.76 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास तकरीबन 6.6% बी ऑप्शन आपकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की करेक्ट है, 6.6% आंसर आएगा। बहरहाल आपने फार्मूला याद रखना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड वैल्यू इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर इज 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर। तो डिफरेंस तो आपको आसानी से नजर आ रहा है कि 20 और 50 का जो डिफरेंस है वो 30 है, तो 30 तो हर जगह लिखा हुआ है नीचे चार ऑप्शंस में। तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन ये है कि 0.5 और 0.5 ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में ये जो आपकी प्रिसीजन है ये ऐड हो जाएगी, लीस्ट काउंट ये ऐड हो जाएंगे, तो 0.5 प्लस 0.5 1 बनेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 30 डिफरेंस प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूल याद रखें कि ये 0.5 और 0.5 चाहे आप ऐड करें 50 और 20 को या सब्ट्रैक्ट करें, ये जो दोनों आपकी अनसर्टिनिटीज हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 0.5 ऐड होके 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 मीटर प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड प्लस माइनस 3.3%, इसका आंसर क्या है। तो मल्टीप्लाई हो रही है दो क्वांटिटी, तो 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई होने में होता यह है कि परसेंटेज जो अनसर्टिनिटीज हैं ये ऐड हो जाते हैं, 4% और 3.3% ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 7.3% बनेगा। इस तरह बी ऑप्शन करेक्ट बनेगी, 15 प्लस माइनस 7.3
3%। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 मीटर सेकंड एक वैल्यू है, कोई कैलकुलेट की है, ±2%, इसका होल क्यूब है। तो अगर पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटीज हम कैलकुलेट करें तो पावर फैक्टर में 2 जो है इसका क्यूब, इसका तो क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हर जगह 8 नीचे आपको चारों ऑप्शंस में लिखा है, लेकिन ये जो 2% है इसका क्यूब नहीं होगा। पावर फैक्टर का रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये जो 2 है ये वाली, इसको आपने 3 से यानी पावर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बनेगा 6। तो फिर आपका पास आंसर आया डी ऑप्शन, 8 मीटर क्यूब ±6%। तो ये रूल याद रखना है आपने, दोनों का क्यूब नहीं होगा, जो गिवन ऑब्टेंड वैल्यू है उसका क्यूब होगा, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर से मल्टीप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। तो इसमें लेफ्ट के जो जीरोज हैं, आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां से सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू होंगे 7, 0, 8, 6, और डेसिमल के राइट के तरफ वाले जो जीरोस होते हैं वैल्यू के, सिग्निफिकेंट वैल्यू के, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 4 ये नंबर हो गए और 2 जीरो आगे आ रहे हैं, तो ये टोटल 6 हो गए, तो ये 6 नंबर सिग्निफिकेंट है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 है। तो एडिशन करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स हासिल करने का रूल ये है कि आप दोनों को ऐड कर दें, 25.2 प्लस 1.362, तो ये हो जाएगा 26.562। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, रूल ये है कि दो फैक्टर्स जो आपके ऐड हो रहे थे उसमें से जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जिसके पास है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, वो है 25.2। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपके पास 26.5 तक जो है वो आंसर आएगा, उसके बाद ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो 26.5 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें भी कैलकुलेट करनी है, इसमें भी ऐड हो रही है 1.513 प्लस 27.3, तो इसका पूरा आंसर निकाल के हमने देना है, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो ये 28.813 इसका आंसर आता है। अब इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में उसी रूल के मुताबिक आपने लिखना है, तो 27.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे क्योंकि इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, तो फिर आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 28.8 तक जाएगा, तो यहाँ पे भी आपकी बी ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की 28.8, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 7.635 एंड 4.81 आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, द मल्टीप्लीकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज। आप मल्टीप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आते हैं कि आपका वो फैक्टर जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके मुताबिक आपने आंसर देना होता है। तो 4.81 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अब आप खुद देख लें कि यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में जाके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लें, तो इसका आंसर आएगा 36.72435। तो उसमें से जो लिखना है आंसर आपने करेक्ट वे में, वो 4.81 में इस फैक्टर में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो इसके मुताबिक
आपने 36.7, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज, तो इसमें तीन जीरो आखिर पे आ रहे हैं, तो जिससे पता लग रहा है कि इसकी जो प्रिसीजन है वो 1000 में, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है और इसका लीस्ट काउंट आपका 1000 में जा रहा है, तो आपके 1000 किलोमीटर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0 आर डाइमेंशंस ऑफ, ये कोई भी यूनिट इसमें उसमें मौजूद नहीं है फिजिकल क्वांटिटी में, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट ना हो, तो स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी रेशियो है डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा वी ओवर वी, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होती, ये स्पीड ऑफ लाइट इन जो आप कहें कि मीडियम और दूसरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके दरमियान रेशियो होती है। मैग्निफिकेशन की भी कोई यूनिट नहीं होती, ये क्यू और पी के दरमियान रेशियो है, क्यू भी डिस्टेंस है, पी भी डिस्टेंस है, तो इसलिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन को हम लेंगे। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की डायमेंशन इसकी यूनिट अगर आप लिखें, इसमें आर और एफ आता है, तो एफ न्यूटन यूनिट है उसकी, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और मीटर से मल्टीप्लाई कर दें आर इंटू एफ, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो मीटर स्क्वेयर हो जाएगा, तो अब एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस टू, ये सी ऑप्शन बने, एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस टू, तो यूनिट से डायमेंशन बनाना आसान होता है, के जी से एम बनाया, एम से एल बनाया और सेकेंड से टी बनाया, तो आपके पास एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस टू, ये आंसर आ गया। तो होपफुली कि आपको ये आज बेहतर समझ आए, हमने जो है वो इसको ज़रा ज़्यादा तफसील के साथ किया है, तो जिन स्टूडेंट्स को शिकायत थी कि हम जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं और इसको एक्सप्लेन नहीं करते, तो उम्मीद है कि वो शिकायत दूर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।